हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो में मैं आपको Redmi Note 13 Pro 5G के गेम टर्बो के बारे में बताऊंगा। कितने आपको इसमें गेमिंग फीचर्स मिलते हैं और कौन से न्यू फीचर्स हैं एंड कैसे आप इस गेम टर्बो के फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मोबाइल फ़ोन पे देखिए, आपको मोबाइल फ़ोन में एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन मिल जाएगा गेम टर्बो का। जस्ट मैं इस पर टैप करके ओपन कर लेता हूँ। इस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए, आपको यहाँ पे गेम स्पेस भी लिखा आएगा एंड जैसे ही ओपन होगा आपको यहाँ पे गेम दिखाई देगी। आप देख सकते हैं बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, सारे जितने भी आपके मोबाइल फोन में गेम्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आप ऐसे यहाँ पे स्विच भी कर सकते हैं, जी हाँ, कुछ इस तरह से। एंड आपको लेफ्ट साइड में बैटरी परसेंटेज, सीपीयू, जीपीयू वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। राइट साइड में आपको प्लस का आइकॉन मिलता है जहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन को गेम टर्बो में ऐड करना चाहते हो आप मैन्युअली गेम्स को ऐड भी कर सकते हैं, जी हाँ। और उसके बाद में आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जी हाँ। सेटिंग के ऑप्शन पर आप टैप कर लीजिए जहाँ पे आपको जनरल सेटिंग्स मिल जाएंगे। जहाँ पे आप गेम टर्बो को यूज करना चाहते हो तो आप इसे इनेबल कर लीजिए। इन गेम शॉर्टकट्स है, कंटेंट रिकमेंडेशन है, रिमूव एडेड गेम्स फ्रॉम होम स्क्रीन, ये सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए जो आपके हिसाब से यहाँ पे मतलब इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे परफॉर्मेंस मोड है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, मेमोरी एक्सेप्शन, सारी चीज़ें। फिर गेम DND का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन है जो आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। बट और एक चीज़ यहाँ पे ये अच्छी, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इसका, जैसे आप इस पर टैप करोगे यहाँ पे आपको और भी एडिशनल गेम के हिसाब से सेटिंग्स दिए गए। जहाँ पे डिफॉल्ट है, आप चाहे तो सेव पावर का ऑप्शन है यहाँ पे, बैलेंस, हाई क्वालिटी, अदरवाइज आप यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके फ्रेम रेट, रेजोल्यूशन, सारी चीज़ें आप यहाँ पे आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए अभी यहाँ पे गेम को ओपन करते हैं, फिर देखेंगे गेम में आपको कितने फीचर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने गेम को ओपन कर लिया है। गेम टर्बो को ऑन करने के लिए ऊपर आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड में स्लाइड करना होगा। यहाँ पे आप देखिए गेम टर्बो का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, जहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको सारे एप्लीकेशन दिए गए जो कि फ्लोटिंग एप्स है। मतलब गेम खेलते हुए आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आपको गैलरी, यहाँ पे क्रोम, प्ले स्टोर, सभी चीज़ें दी गई है। लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं प्ले स्टोर पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक छोटा सा प्ले स्टोर का विंडो ओपन हो जाएगा। तो जितनी जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करोगे कुछ इस तरह का आपको विंडो ओपन होगा जहाँ पे आप गेम भी खेल सकते हैं, साथ में एप्लीकेशंस को आप यूज़ भी कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो इसे ऊपर करके क्लोज भी कर सकते हैं, या कुछ इस तरह से आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं। फिर हम ऐसे ऑन कर लेंगे, सेम आपको ऐसे ऑन करना है और आप एप्लीकेशन सारे इसमें दिए गए जो आप यूज़ करना चाहते हो आप मल्टी विंडो में यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड में सारे गेमिंग फीचर्स है जहाँ पे आपको गेम टर्बो ऊपर लिखा आएगा, क्लियर मेमोरी है, फ्री अप स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है। फिर यहाँ पे बूस्ट परफॉर्मेंस का आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप बूस्ट पे क्लिक करके परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो। ऊपर आपको यहाँ पे और भी एक ऑप्शन मिल जाएगा, कुछ इस तरह से आप परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको FPS भी दिखाई देगा, ये आप चाहे तो कर सकते हैं। नीचे आपको सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलते हैं जो कि डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन आपको दिया गया है। स्क्रीनशॉट आप जस्ट टैप करके ले सकते हैं। आप गेम खेल रहे हो, आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, जस्ट आप इस पर टैप कीजिए, स्क्रीनशॉट वो ले लेगा। फिर आपको यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है, रिकॉर्ड मीन्स आप गेम प्ले को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जी हाँ, बेसिक फीचर है। फिर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया सारे सेटिंग्स। एंड आपको यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप सैचुरेटेड आपके हिसाब से मतलब कलर्स को आप चेंज कर सकते हो। लाइक मैं देखिए जिस पर टैप करूंगा यहाँ पे देखिए नन है, अदरवाइज आपको सैचुरेटेड कलर मिलेगा। एंड जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ब्राइट कलर मिलेगा और आपको यहाँ पे ब्राइट एंड सैचुरेटेड ये कलर मिलेगा, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। फिर आपको टर्न ऑफ स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप गेम खेलते खेलते जस्ट आप इस पर टैप करोगे तो स्क्रीन टर्न ऑफ हो जाएगा, मतलब गेम बैकग्राउंड में चलते रहेगी। फिर अभी एक ऑप्शन आपको मिलता है कास्ट स्क्रीन का, आप चाहते हो कि आपका जो गेम प्ले है वो आपके टीवी या फिर लैपटॉप में दिखाई दे तो आप कास्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। वाईफाई का ऑप्शन है जो कि ऑलरेडी कनेक्टेड है। ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आपको राइट साइड में ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलेगा, आप ब्राइटनेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिया गया है। बट इन सब चीज़ों में नए फीचर्स मुझे कुछ यहाँ पे नहीं लगे हैं Redmi Note 13 Pro 5G में। बट अच्छी बात यह है कि इसमें वॉइस चेंजर का ऑप्शन मिलता है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आप इसे अलाउ कर दीजिए परमिशंस को, जहाँ पे आप वॉइस चेंज करके बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँगा जिस इस पर आप क्लिक करोगे वॉइस चेंजर पे, यहाँ पे आपको सेम हमेशा की तरह 5 डिफरेंट टाइप्स के वॉइस ऑप्शन दिए गए, जहाँ पे गर्ल, वुमेन, कार्टून, रोबोट और मैन है। तो इन सारे आवाज़ों को आप बदल के यूज़ कर सकते हैं। BGM वजह से आप गेम खेलोगे जहाँ पे वॉइस का ऑप्शन होता है तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उसमें आवाज़ आपकी बदल के जाएगी। आप जस्ट सेलेक्ट कर लीजिए किस आवाज़ में आपको
बात करना है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। वॉइस चेंजर का ऑप्शन इसमें दिया गया है एंड टाइमर भी है। जी हाँ, तो ये थे कुछ गेम टर्बो के गेमिंग फीचर्स जो आपको Redmi Note 13 Pro 5G में देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली बोलूँ कि कुछ ज़्यादा नए फीचर्स इसमें नहीं लगे, बट स्टार्टिंग में जो कस्टम का ऑप्शन मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एडिशनल आप गेम की सेटिंग्स आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं, वो चीज़ मुझे वहाँ पर अच्छी लगी। बट सारे गेमिंग फीचर्स में आपको दिए गए जहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग और कलर का सैचुरेटेड जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड वॉइस चेंजर का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। तो गेमिंग फीचर्स सारे हैं बट ज़्यादा आपको नए फीचर्स में नहीं देखने को मिलेंगे। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन है नीचे आप कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है लाइक कीजिए और कुछ इस तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।